हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था परमाणु भार, और पिछले वाले वीडियो के एंडिंग में मैंने यही बात की थी कि हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु भार। तो टॉपिक पर चलते हैं। देखो, एक बार परमाणु भार, एक बार इस शब्द को समझो। आप इस शब्द को समझो, परमाणु और परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है भार, यानी कि परमाणु भार। हमें क्या करना है, परमाणु का भार निकालना है। आप एक बार सोच कर देखो, एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसका भी मास याद कर लिया। मास का मतलब वेट, भार, यानी कि एटम का भी मास क्या कर लिया, उन्होंने ज्ञात कर लिया। अब परमाणु का भार वैज्ञानिकों ने कैसे चेक किया वो समझना ध्यान से। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। मान लो ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु। और परमाणु की सबसे जो ठोस चीज़ होती है वो परमाणु के मध्य में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं कक्षक। परमाणु की जो सबसे ठोस चीज़ है, परमाणु का जो सबसे सॉलिड पार्ट है, वो परमाणु के सेंट्रल यानी कि परमाणु के बीच में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है, जिन्हें बोलते हैं कक्षक। और मैंने पहले बता दिया था कि परमाणु में कितने कण होते हैं, 3। एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, क्योंकि चार्ज दो ही होते हैं, प्लस और एक माइनस। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, निरावश्यक, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। अब ये जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन कण है वो तो इन कक्षाओं में घूमता रहता है, वो तो इन कक्षाओं में घूमता रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके मध्य में स्थित होते हैं, नाभिक के मध्य में, यानी कि नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नाभिक में दो कण मौजूद है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप सोचो, आपको परमाणु का भार ज्ञात करना है, परमाणु का वजन चेक करना है। तो वजन तो तभी चेक करोगे ना जब आप परमाणु की सबसे ठोस चीज उठाओगे, और परमाणु की सबसे ठोस चीज क्या होती है, नाभिक। तो नाभिक का मास अगर आप चेक कर लोगे, नाभिक का भार ज्ञात कर लोगे, तो समझ लो परमाणु का भार भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, परमाणु का भार कैसे ज्ञात किया जाता है, परमाणु का भार ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ना पड़ता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ दो, उस तत्व का परमाणु भार निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है, कम होता है। देखो, प्रोटॉन पर जो भार होता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁰ ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, सेम प्रोटॉन के बराबर, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो इतना होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻²⁷। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है, कम। इसीलिए परमाणु भार ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐड नहीं किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना कम होता है वो भी देख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1837 प्रोटॉन का द्रव्यमान। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम होता है। आई बात समझे,
तो अब क्या करना हमें, किसी भी परमाणु का भार ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन का भार यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल कर जोड़ दो, उस तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार निकालना है, नाइट्रोजन का परमाणु भार निकालना है तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। 7 का मतलब नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आपको निकालना नहीं आता क्योंकि प्रोटॉन तो कितने होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना बता दूंगा आगे, फिलहाल आप याद रखो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। अब देखो ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो बराबर है, वो तो दोनों का क्या है, सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 7 + 7 कितने हुए, 14 इंटू, दोनों पर द्रव्यमान कितना है, 1.67 × 10⁻²। अब सुनना ध्यान से, इस राशि को इसके साथ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो राशि है ना, ये वाली राशि कौन सी, 1.67 × 10⁻², इस राशि को क्या बोलते हैं, AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इस राशि को कैलकुलेट नहीं करना, इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, AMU। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना आया, 14 AMU, समझ गए होंगे। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, ऐसे ही आप हाइड्रोजन का निकाल लो, या हीलियम, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, पोटेशियम, जो भी है, जो भी एलिमेंट है, आप उसका परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो। अब क्या करना हमें, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या निकालना है, परमाणु भार। तो देखो निकालते हैं एक बार, एक से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार, एक से बीस तक के तत्वों का क्या निकालना है, परमाणु भार। तो टेबल बना के निकालते हैं, सबसे पहले टेबल तैयार करो, देखो इधर तो आ जाएंगे SR नंबर, ओके यहां पर तत्व है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या, यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या, और यहां पर सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा परमाणु भार। ओके ये लो, ये टेबल तो तैयार हो गई, कैसे निकालते हैं बता दिया, फटाफट निकालते चलो। नंबर एक पर कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन। अब देखो प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 1। लेकिन सॉरी एक चीज बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, वैसे भी डायरेक्ट भी समझ सकते हैं लेकिन
जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप उसको पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा ये काम। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए दो सूत्र काम में आएंगे, और वो सूत्र क्या है? अगर आपको किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो देखो ये जो सूत्र काम करेंगे सम और विषम संख्या के लिए काम करेंगे। सम और विषम से मतलब है एक से लेकर 20 तक आप तत्व लिखोगे, उसमें सम संख्या भी आ रही है, उसमें विषम संख्या भी आ रहे हैं, जैसे सम 2, 4, 6, 8, विषम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे। तो सम संख्या के लिए जो सूत्र लगेगा वो है परमाणु क्रमांक इंटू टू। परमाणु क्रमांक इंटू टू तो क्या निकल जाएगा? परमाणु भार। ऐसे ही विषम संख्या के लिए परमाणु क्रमांक इंटू टू प्लस वन तो क्या निकल जाएगा? परमाणु भार। बिल्कुल इजी काम है बच्चों। देखो अगर सम संख्या है 2 है 4 है 6 है तो सम संख्या के लिए आप क्या करोगे? जितना उस संख्या का परमाणु क्रमांक है उसको 2 से गुणा कर देना, जो आंसर आएगा उस तत्व का परमाणु भार निकल जाएगा। और अगर आपकी संख्या विषम है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देना। सम के लिए 1 नहीं जोड़ना है, विषम के लिए 1 जोड़ना है। अब देखो साइंस इज नॉट एफिशिएंसी, विज्ञान कोई मनमानी नहीं है, जहाँ पर साइंस है वहाँ पर अपवाद है। ये जो दो सूत्र है ये सभी पर नहीं लगते, क्योंकि विज्ञान तो अपवाद या एक्सेप्शन से भरी हुई है। अब अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब एक से लेकर 20 तक के तत्वों में 4 तत्व ऐसे हैं जिन पर ये सूत्र काम नहीं करते, सूत्र काम नहीं करते। और वो तत्व कौन कौन से आपको बता दूं? एक तो बेरेलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। बेरेलियम का परमाणु क्रमांक 4, नाइट्रोजन का 7, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। अब देखो ये सम संख्या विषम, विषम सम, रूल तो ये लग रहे हैं सम विषम के लिए, लेकिन देखो बेरेलियम के लिए अपवाद ये है, बेरेलियम संख्या कौन सी है? सम संख्या है ना 4, लेकिन ये अपवाद इसलिए है कि इसका अगर परमाणु भार निकालना है तो इसके लिए सम वाला सूत्र नहीं लगेगा, इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? विषम वाला सूत्र है। इसका परमाणु भार निकालोगे तो कौन सा सूत्र लगाओगे? विषम वाला। ये कौन सी संख्या है? विषम। इसके लिए किसका सूत्र लगेगा? सम संख्या वाला। ये दो, ये विषम और ये सम, इसको उल्टा उल्टा नहीं करना है। देखो यहां पर तो उल्टा पुल्टा हो गया, सम संख्या है लेकिन विषम वाला सूत्र लगेगा, विषम संख्या है लेकिन सम वाला सूत्र लगेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि विषम संख्या तो सम वाला सूत्र, सूत्र वो का वही लगेगा। क्लोरीन विषम है तो विषम वाला ही सूत्र लगेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके लास्ट में 0.5 ऐड करना है। सूत्र तो वही लगेगा विषम वाला, लेकिन इस एक के आगे 0.5 और ऐड करना है। और आर्गन में क्या करना है? सम संख्या है वही सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें कितने ऐड करने हैं? 4। ये लो, ये 4 अपवाद थे और इन 4ों का रास्ता मैंने निकाल दिया। सम संख्या तो विषम वाला सूत्र लगाओ, विषम संख्या तो सम वाला सूत्र लगाओगे। क्लोरीन के लिए 0.5 ऐड करना है और आर्गन के लिए 4 ऐड करना है। ठीक है, समझ गए कैसे परमाणु भार निकालना है? अब आ जाओ फटाफट। देखो हाइड्रोजन भी देखा जाए तो एक तरीके का अपवाद है, और अपवाद ये है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, फिर से सुन लो, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं रखता। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। ये परमाणु भार निकाल रहे हो ना, इसमें यहाँ भी ऐड कर दो आप थोड़ा सा कि प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन। परमाणु भार ऐसे तो निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो अब हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालने जा रहे हो तो प्रोटॉन की संख्या तो पता है, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता, और हाइड्रोजन के लिए तो पता भी है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0। अब यहाँ पे जोड़ो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, तो 1 प्लस 0 1।
हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। और परमाणु भार की इकाई अभी बताया था ना, 1.67 × 10⁻²⁴ राशि को हमने क्या मान लिया था? AMU। तो एक AMU किसका परमाणु भार निकल गया? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ओके, देखो नंबर 2 हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 2। तो देखो प्रोटॉन की संख्या का तो पता लग गया 2+। अब न्यूट्रॉन की संख्या का नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, सब निकल जाएगा। अभी परमाणु क्रमांक कितना है? 2। 2 को कितने से गुणा? 2 से, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 × 2 = 4, ये लो परमाणु भार कितना आ गया? 4। इकाई क्या लगाओगे? AMU। 4 परमाणु भार है। अब इस 4 में से 2 प्रोटॉन निकाल दोगे तो क्या जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, तो 4 - 2 कितना आया? 2। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 2। कितना इजी है, फटाफट निकाल सकते हो। नंबर 3 लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 तो प्रोटॉन की संख्या 3। प्रोटॉन की संख्या 3, न्यूट्रॉन का नहीं पता लेकिन परमाणु भार निकाल सकते हैं। संख्या कैसी है? विषम। परमाणु क्रमांक 2 से गुणा करो, और विषम संख्या ना तो 1 जरूर ऐड करना। तो 3 को 2 से गुणा करोगे, 3 × 2 = 6 और 1 ऐड करो कितना आएगा? 7। 7 AMU। 7 परमाणु भार, इनमें से प्रोटॉन की संख्या निकाल दोगे तो किसकी संख्या बच जाएगी? न्यूट्रॉन की। कितना? 4। तो न्यूट्रॉन की संख्या 4। नंबर 4 बेरिलियम। अब ऐसे सम संख्या देखते ही मत चिपकाना, बेरिलियम अपवाद है। बेरिलियम क्या है? अपवाद है। कौन सा सूत्र लगेगा? विषम वाला, मतलब +1 भी ऐड करना है। तो 4 परमाणु क्रमांक है, 4 × 2 = 8 +1 कितना हो गया? 9। परमाणु भार कितना आया? 9 AMU। प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है? 4। तो 9 - 4 कितना आ जाएगा? 5। ये लो। फिर नंबर 5 पर बोरोन, विषम वाला सूत्र लगाओ, 5 × 10 और 1 = 11। प्रोटॉन तो 5, प्रोटॉन 5, 11 AMU, 11 में से 5 जाएगा तो 6। न्यूट्रॉन की संख्या 6। कार्बन, प्रोटॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन नहीं पता लेकिन 6 × 2 = 12 AMU, 12 - 6 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। 7 नाइट्रोजन, 7 + संख्या कौन सी है? विषम, लेकिन नाइट्रोजन देखो अपवाद है। नाइट्रोजन क्या है? अपवाद। कौन सा सूत्र लगेगा? सम वाला, मतलब विषम संख्या होती हुई भी 1 नहीं लगेगा क्योंकि सूत्र किसका लग रहा है? सम का। तो 7 × 2 = 14, 14 में से 7 निकालोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 7। 7 × 2 = न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। आप चेक कर सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ा जा रहा है, पहले बता दिया तुमने, इन दोनों को जोड़ के निकालते हैं ये ठीक है। 8 कौन आता है? ऑक्सीजन। कौन आता है? ऑक्सीजन। प्रोटॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता, परमाणु भार निकाल सकते हैं। 8 × 2 = 16, 16 - 8 न्यूट्रॉन की संख्या 8। AMU लगाना मत भूल जाना। 9 पर कौन आता है? फ्लोरीन, पर प्रोटॉन की संख्या 9 + 9 अब देखो विषम संख्या है ना, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, 19 AMU, 19 में से 9 गए तो 10, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। 10 नंबर पर कौन आता है? नियोन, 10, उल्टा लिख दिया 10, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 10, प्रोटॉन की संख्या 10, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता, सम संख्या तो परमाणु भार 10 × 2 यानी कि 20 AM, 20 - 10 = 10, तो 10 क्या निकल गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये देखो इस सूत्र के माध्यम से हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर लिया। तो आई होप
समझ में आया होगा आपको कि कैसे तत्वों का परमाणु भार निकाला जाता है। एक बार फिर से बता दूं, किसी भी तत्व का परमाणु भार याद करने के लिए उसके प्रोटॉन, जिस तत्व का निकाल रहे हो ना, अब उसमें कितने प्रोटॉन आ रहे हैं उनको, और कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं उनको, उन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो भार है, जो द्रव्यमान है, उसको जोड़ दो। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है, 1.67 × 10⁻², उसको तो हम क्या मान लेंगे, AMU, और जो इनकी संख्या आएगी उनको जोड़ दो और उनके आगे क्या लिख दो, AMU। समझ में आया? तो ऐसे हमने 1 से लेकर 10 तक का परमाणु भार निकाला, और बात कितने की हुई थी, 1 से लेकर 20 तक के। तो अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें हम 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।